सर फिल्म भाईजान के ट्रेलर का इंतजार चल रहा है, क्या लगता है आपको कब तक आ सकता है? जी हाँ, देखिए फाइनली अब इंतजार खत्म होने वाला है। आप देखेंगे काफी समय से वेट कर रहे हैं सब लोग भाईजान के ट्रेलर का। टीजर हमने जब पठान के साथ देख ही लिया था उसके बाद ही लग रहा था कि हाँ अब ट्रेलर आएगा, लेकिन नहीं, लगता सॉन्ग आ गया, फिर लगा कि हाँ अब आएगा, बिल्ली बिल्ली आ गया, फिर जी रहे थे हम आए, इस तरीके से बैक टू बैक 5 सॉन्ग्स आ चुके थे। चौथे सॉन्ग के बाद तो सभी को लग रहा था कि हाँ भैया अब तो आ ही जाना है, पोस्टर वगैरह देखने को मिलेगा, फिर ट्रेलर आएगा, लेकिन नहीं भैया वो लुंगी सॉन्ग आ गया 5। लेकिन अब 10 तारीख को भैया 10 अप्रैल के दिन हमें फाइनली देखने को मिलने वाला है, ट्रेलर ऑफिशियल हो चुका है। 10 तारीख को हमें देखने को मिलेगा, शानदार तरीके का, मजा आने वाला है। देखना चाहेंगे किस तरह की क्या फिल्म है, क्योंकि आप देखेंगे तो फिल्म को लेकर पहले काफी ज्यादा नेगेटिविटी चल रही थी कि फरहाद सामजी डायरेक्शन कर रहे हैं, बिगाड़ दी होगी फिल्म। एक तो वैसी देखिए तमिल की कोई फिल्म है वीरम, उसका रीमेक है ये फिल्म, तो वैसे ही काफी ज्यादा लोग मतलब इंटरेस्टेड ऐसा नहीं थे इस फिल्म को लेकर। लेकिन अभी जो कुछ एक सॉन्ग्स वगैरह आए, जो लुंगी सॉन्ग हमने देखा और उससे पहले वो बैटू कम्मा करके जो सॉन्ग था, तो वो सॉन्ग देखिए काफी अच्छे लग रहे थे और काफी मतलब कलरफुल से भी सॉन्ग थे, तो उसके बाद थोड़ी सी लोगों को उम्मीदें लग रही है कि हाँ शायद फिल्म अच्छी हो सकती है। बाकी ट्रेलर के बाद स्थिति साफ हो जाएगी किस तरह की फिल्म है, क्या थोड़ी बहुत कहानियां में देखने को मिलने वाली, किस तरह की क्या फिल्म रहती है, तो मजा आने वाला है। 10 तारीख को हमें ऑफिशियल तौर पे ट्रेलर देखने को मिलने वाला है। बाकी आप देखेंगे सोशल मीडिया पे भी पोस्टर्स भी वायरल हो रहे, कई सारे थिएटर्स के बाहर भी पोस्टर लग चुके, लेकिन अभी तक भी सलमान खान फिल्म की तरफ से ऑफिशियल तौर पर रिलीज नहीं किया गया। उम्मीद करूंगा जल्दी अब हमें हो सकता है 2 से 3 दिनों में पोस्टर्स वगैरह देखने को मिले और फिर 10 तारीख को ट्रेलर आएगा। बाकी ईद पे फिल्म रिलीज होनी है, देखिए ईद पे सलमान भाई का जलवा रहती है, ईद पे जब जब आते हैं फिल्म अच्छी कमाई करती है, ऐसे में उम्मीद है किसी का भाई किसी की जान भी, अच्छा ट्रेलर आया फिल्म का और फिल्म भी अच्छी निकले।